अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ग्रेवी की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही इजी और सिंपल मेथड के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तीन बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स पे हम चिकन ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, जिसको साफ़ धोकर इसमें हम मैरिनेट करके रखेंगे। जिसके लिए आधा चम्मच नमक डालेंगे हम और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिला लेंगे हम। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख लेंगे मैरिनेट करने के लिए, ताकि दही और नमक चिकन में अच्छी तरह से मिल जाए। चिकन को मैरिनेट करके रखने से चिकन जल्दी गल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसको साइड में रखते हैं और चिकन बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर ले लेंगे और आधी चम्मच हल्दी पाउडर ले लेंगे हम और 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधी चम्मच नमक ले लेंगे हम और 1/2 कप पानी डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से घुल जाए। मसाले को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इस तरह से मसाला रेडी करके रखने से हम मसाला बराबर क्वांटिटी में डाल सकेंगे। हम क्या करेंगे कि चिकन ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला पीस कर रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हम 12 से 15 काजू ले लेंगे, जिसको एक ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे फ्रेश वाला और 2 अदद हरी मिर्च डालेंगे हम और 3 कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे हम और इसको एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। ये हमारा टमाटर और काजू का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक साइड में रखेंगे, जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। चलिए अब हमने सारी तैयारी कर ली है तो चिकन ग्रेवी बनाकर तैयार करते हैं। जिसके लिए एक बर्तन ले लेंगे हम और उसको अच्छी तरह से गर्म होने के बाद, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑयल डालेंगे, ये 1/2 कप ऑयल है। ऑयल के अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें चंद खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 5 अदद लौंग लिए हैं और 2 से 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है और 3 तेज़पत्ते लिए हैं, आधी चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 3 छोटी इलायची ली है। अब इन तमाम चीज़ों को हम तेल में डाल देंगे, चंद सेकेंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसको। चूल्हे का फ्लेम हमने हाई रखा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बारीक कटी हुई 3 अदद प्याज डालेंगे, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है हमने। अब हम इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमारे प्याज का कलर अच्छी तरह से ब्राउन होना चाहिए तब तक हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पर। इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है हमें प्याज को। देखिए अब हमारी प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और चंद सेकेंड के लिए भुनेंगे हम इसको। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। तो
इसको भी मिला लेंगे प्याज में अच्छी तरह से। देखिए अब हमारी प्याज का कलर अच्छी तरह से लाल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पर हमने जो काजू और टमाटे का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसको डाल देंगे। मसाले को भी एक दो मिनट के लिए भून लेंगे हम तेल में। थोड़ा सा पानी मिलाकर ऐड करेंगे हम। अब हम इसको भून लेंगे एक मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे हम। एक बार फिर से मिला लेंगे हम ताकि हमारा मसाला नीचे से ना जले। देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है क्योंकि इसमें तेल आ चुका है ऊपर से। इस तरह से तेल आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ है उसको डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मिलाकर डालेंगे। अब हम चिकन को अच्छी तरह से मिला लेंगे ग्रेवी में। ये बनाने में बहुत ही आसान होता है, बस छोटे से दो तीन स्टेप्स करने होते हैं जिससे कि हमारा चिकन मज़ेदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके एक मिनट के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पर। तो चलिए अब हमारे चिकन को रखे हुए एक मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने मसाला बनाकर तैयार करके रखा था उसको ऐड कर देंगे हम इसमें। दो तीन चम्मच पानी और डालेंगे हम। अब हम मसाले को चिकन में अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए देखने में कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसको कवर करके दो से तीन मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रख देंगे। तो चलिए अब हमें चिकन को हाई फ्लेम पर रखे हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह से चिकन में भुन चुका है। एक बार मिला लेंगे हम चिकन को अच्छी तरह से। इस पॉइंट पर हम ग्रेवी को एक बार टेस्ट कर लेंगे नमक मिर्च बराबर है या नहीं। अब हम क्या करेंगे चिकन को गलने के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने डेढ़ ग्लास पानी ऐड किया है। एक बार मिला लेंगे हम अच्छी तरह से।
अब हम क्या करेंगे कि इसको हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। हम क्या करेंगे, हर 3 से 4 मिनट में एक बार मिला लेंगे चिकन को। और फिर कवर करके छोड़ देंगे। तो चलिए, हमारे चिकन को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार मिला लेंगे हम अच्छी तरह से। चेक कर लेंगे कि चिकन गला है या नहीं। देखिए, हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हम। मिला लेंगे। देखिए, हमारी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम उसको मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम देने के लिए। तो चलिए, अब हमें चिकन को रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा चिकन अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, एक बार मिला लेंगे हम। तो मज़ेदार सा हमारा चिकन ग्रेवी बनकर तैयार हो चुका है, रेडी है अभी ये सर्व करने के लिए। बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मसालेदार ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए, हमने बहुत ही इजी और सिंपल मेथड के साथ चिकन ग्रेवी बनाकर तैयार कर लिया है। इस मज़ेदार से रेसिपी को आप चावल और रोटी दोनों ही के साथ सर्व कर सकते हैं। अचानक मेहमान आने पर या फिर मज़ेदार और यम्मी सा खाने का दिल करे तो आप ये चिकन ग्रेवी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड के साथ हमने बनाकर तैयार किया है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।